बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ, सामने मार्केट है, इस तरफ राइट चले जाएंगे तो मार्केट है, देखिए रोड पे गाड़ियां चल रही हैं और इधर भी काफ़ी मकान बन रहे हैं और भी बन रहे हैं। और ये वाले मकान हैं जो दो मकान बने कंप्लीट हैं, ये सेल हो रहे हैं जो आपको काफ़ी कम प्राइस में मिले। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें LKO मस्ती चैनल को और देखते रहें हमारी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले। वेलकम माय टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्राइस में और काफी अच्छा मकान जो कि कम रेंज में है। तो बहुत सारे लोग जो है रिक्वायरमेंट करते हैं कि हाँ भाई कम रेंज में मकान जो है, तो आज जो मकान है वो रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है और मकान भी काफ़ी बढ़िया। और हमारे साथ हैं प्रभात प्रॉपर्टी से प्रभात भैया जो कि हमेशा काफ़ी अच्छे अच्छे मकान आप लोगों को दिखाते हैं। और आज का जो मकान दिखाएंगे, मकान के साथ साथ बड़ा ही अच्छा ऑफर लेकर भी आए हैं जो कि लास्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। तो अभी सबसे मेन तो लोकेशन की बात करते हैं कि कहाँ पर हम खड़े हैं। हाँ, लोकेशन भाई ये प्रीति नगर लगता है, प्रीति नगर। हाँ हाँ, यहाँ से सीतापुर रोड 2.5 किलोमीटर है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रोड है और यहाँ से आप निकल जाइए IM रोड पे निकला हुआ है। मतलब ये वाला रोड जो है ये कनेक्टिंग रोड है, ये सीधा IM रोड पे मिला हुआ और उसके बाद इधर राइट चले जाएंगे, फैजुल्लागंज मार्केट निकला हुआ है। अच्छा, यानी यहाँ से मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब पैदल ही बस निकलिए, सामने रोड और मार्केट है आपका। स्कूल की बात करें तो अच्छे स्कूल भी यहाँ पर है, सेंट जोसेफ है 2 किलोमीटर पे। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है यहाँ से 500 मीटर पे। रोड ये कॉलेज है, इतनी चौड़ी सामने 20 फीट का रोड है भाई। अच्छा, फेसिंग क्या है मकान की? ये पूरा फेस का है, ईस्ट फेसिंग। अच्छा, ईस्ट फेसिंग है। और लंबाई चौड़ाई कितनी है इसका भाई? 13 फ्रंट है और 44 गहरा आने के लिए। 13x44 है और ये टोटल एरिया कितना हो गया? 575 स्क्वायर फीट। 575 स्क्वायर फीट का ये पूरा टोटल मकान है जिसमें आपको सारी चीजें कम्प्लीट करके दी जा रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, आपको दिखाते हैं पहले। सबसे पहले तो जब आएंगे तो आपको ये पार्किंग का एरिया मिलेगा जहाँ पे आप आराम से जो है बाइक अपनी 2-3-4 भी पार्किंग हो सकती है, आराम से। कार की पार्किंग नहीं है इसमें, लेकिन बाइक पार्किंग आराम से होती है। बाहर आपको जो है ये मिल जाता है वॉशरूम, यानी कोई बाहर से अगर आया है तो अपना बाहरी वॉशरूम जा सकता है। अच्छा, वॉशरूम बाहरी है इसमें, बाहरी कर दिया है, जिसमें आपको देखिए टोटल इस तरीके से सब कुछ लगा करके दिया जाएगा। इसमें आपको गीजर का पॉइंट भी है और हाँ सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट इसमें आपको मिलेंगी। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए समरसेबल आपका इंडिविजुअल लगा हुआ है, समरसेबल का पॉइंट है, ये उसका कनेक्शन है, ये आपको वॉश बेसिन लगा हुआ है जी, वॉशिंग मशीन वगैरह भी रखा है। इधर जो जगह दी गई है ये इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर के लिए। यहीं से जीने भी चढ़े हुए हैं, ये स्टील रेलिंग लगी हुई है, मार्बल फ्लोरिंग है जी, यहाँ मार्बल लगा हुआ है, ऊपर मोमटी है केवल, ठीक है। यहाँ पर अब हम अंदर चलते हैं, ये डबल डोर भी देखिए लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये डबल डोर दिया हुआ है इसमें, मतलब वो भी ये अपने आप उधर हो जाएगा। हाँ, अपने आप। हाँ ठीक है, आइए अंदर चलते हैं। तो अंदर आइए और देखिए ये जो रूम है ठीक ठाक मतलब एरिया लग रहा है मकान के हिसाब से। ये देखिए कितने बाई कितने का होगा लगभग? 10x12 का ये रूम है ना, जिसमें आपको POP और बाकी पेंट इस तरीके से पूरा पूरा ओके है ना, डोर वगैरह सब कंप्लीट। इधर विंडो आपको देखिए मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, ये विंडो है। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, AC पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है वो AC पॉइंट है। उसके बाद फिर आइए अंदर चलते हैं किचन की ओर। डोर भी आप देख लीजिए बिल्कुल ठीक ठाक लगा है। वैसे अगर मजबूती की अगर बात करें भाई इसमें मकान में, तो ये पिलर पे मकान है, पिलर बेस मकान है, मजबूत मकान है। 3 मंजिल खड़ा करिए, 3 मंजिल खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी ये जो लगे इसमें ये हमें लग रहा है ये उसके हैं, लोहे के। हाँ, ये लोहे के, डबल साइडेड, लकड़ी के सड़ उड़ जाते हैं तो ये मतलब जो है इतनी जल्दी दिक्कत नहीं करने वाला। ये किचन है, ये देखिए ओपन किचन है और यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन भी आपको मिलेगा इधर, जो कि रोशनी आप देखिए मकान में कुछ अभी जो है लाइट वगैरह नहीं है लेकिन प्रॉपर रोशनी आ रही है। यहाँ पर देखिए सारी चीजें कंप्लीट इस तरीके से मिलेंगी, पानी वगैरह देखिए चालू है, एक तो डायरेक्ट है, एक टंकी का है, एक गीजर का। अच्छा, और ये यहाँ पे जो ये गीजर है आपका, ये RO का है। अच्छा, ये गीजर पॉइंट दिया हुआ है, ये RO पॉइंट है, तो मतलब सभी चीजों का ख्याल रखा है। यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि अपना मिक्सी पावर प्लग है, मिक्सी वगैरह हो गई और क्या बोलते हैं माइक्रोवेव वगैरह हो गया, पानी खोल कर भूल गए। तो आइए अब अंदर चलते हैं। बेडरूम यहाँ पर देखिए इतनी जगह आपको ये मिल रही है,
ठीक है, किचन के पास, बाकी आप आते हैं बेडरूम में, तो ये वाला रूम भी सेम साइज होगा। हाँ सेम साइज है, मतलब जो साइज वो है। हाँ 10x12, 10x12 का ये भी आप देखिए, ठीक है। तो 10x12 का ये रूम है, इसमें आपको टाइल्स देखिए यहाँ से लेकर के बाहर तक पूरा कंप्लीट टाइल्स जो है लगा के मिल रहे हैं। बाकी ये जो विंडो है देखिए, ये भी यहाँ पे काफी बड़ा विंडो, ये भी विंडो लगा हुआ है, वो भी ऑलरेडी कर रखी है जी। मतलब मकान में सारी चीजें कंप्लीट आपको मिलेगी। पावर प्लग पॉइंट है, आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए पावर प्लग यहाँ पे दिया हुआ है। अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं थोड़ा सा ऊपर छत की तरफ, वहां पर भी दिखाते हैं ऊपर से थोड़ा सा कि हाँ भाई जो ऊपर से आसपास का नजारा है वो कैसा है, और वहीं पर प्रभात भैया से बात करेंगे इस मकान के रेट की भी हम, और लोकेशन तो आप समझ ही चुके हैं। ऊपर जो अच्छी खासी जगह भी आपको मिल रही है, अगर मान लीजिए आप कभी बनाना चाहते हैं 2 मंजिल 3 मंजिल तक, मतलब 3 मंजिल तक बना सकते हैं, तो ऊपर देखिए जगह भी, छोटा मोटा फंक्शन तो हमें लग रहा है ऐसा ही नहीं पड़ जाएगा। 40-50 आदमी ये देखिए आराम से गैदरिंग हो सकती है, मतलब 40-50 आदमी आराम से एक छोटा मोटा फंक्शन ऊपर निपट सकता है। तो आप बताइए प्रभात भैया कि इस मकान को लेने के लिए क्या देना होगा, और किस बैंक से लोन हो जाएगा, और कितना प्राइस रखा है इसका? यहाँ भी एक प्राइस इसका देखिए 25 लाख रुपया है। अच्छा। और एरिया इसका 575 स्क्वायर फीट का है। 575 स्क्वायर फीट का एरिया है और प्राइस जो है वो 25 लाख रुपए है जी। निगोशिएबल प्राइस है, निगोशिएबल प्राइस है। अच्छा, और साथ में ऑफर ये है कि 1 टन का एसी लगा के मिलेगा। अच्छा, मतलब जो भी इस मकान को लेगा 1 टन का एसी ऑलरेडी, 1 टन का एसी मतलब लगा रहेगा वो ऑफर, ऑफर में। फिलहाल तो अभी गर्मी आने, गर्मी मतलब जा चुकी है, ठंडी आ रही है। हाँ हाँ, तो आगे के लिए है कि गर्मी अच्छा, में आराम से जैसे ही मतलब क्योंकि गर्मी ज्यादा दिन रहती, ठंडी तो हमें लग रहा है 3-4 महीने, तो 3-4 महीने ठंडी के बाद नए एसी के साथ आराम से बेहतरीन मजे उठाइए। तो एक एसी भाई की तरफ से ऑफर में रहेगा, जो भी मतलब आपसे तय होगा मकान उसके बाद, है ना जी। तो ऑन टेबल जो है जब आएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत हाँ कम हो जाएगा देखेंगे। हाँ। तो बिल्कुल हो जाएगा। बाकी ये बताइए कि इसका लोन वगैरह जो है 25 लाख रुपए, तो कितना पैसा देना होगा? देखिए 90% बैंक करती है, कई बैंकें करती है। अच्छा, अब जैसी कस्टमर की प्रोफाइल होती है वैसा बैंक लोन करती है। बढ़िया प्रोफाइल अगर है 90% तक लोन हो जाएगा। 90% देने के बाद अपना जो है किस्त बना लीजिए, आराम से देते रहिए, है ना। तो आज के मकान कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। और देखिए प्रभात भैया के पास जो है काफ़ी मकान यहाँ पर हैं, जो कि दिखाते रहते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं। आज काफ़ी अच्छा ऑफर भी आप लोगों को दिया भाई, मकान देंगे साथ साथ में एक एसी भी आपको मिलेगी, बाकी निगोशिएबल भी है, आप ऑन टेबल बात कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया उस पर कॉल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग आपके पास जो मकान की है वो 12 लाख से है ना, 12 लाख में कुछ मकान बचे हुए, बाकी सेल आउट हो गए। बाकी सेल आउट, अच्छा मकान चाहिए तो 20 लाख रुपए, मतलब एक बेहतरीन मतलब ठीक ठाक एरिया भी है और 20-22 लाख रुपए में बढ़िया मकान मिल जाएगा, 20-22 में बढ़िया मिल जाएगा। 5-5.5 जिनका 20-22 का बजट है, 25 का बजट है, वो आराम से भाई को कॉल करें, बेहतरीन मकान आपके पास है जो आप दिखा देंगे, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा हमारे पेज को और शेयर करिएगा वीडियो को, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे भाई जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और देखते हैं वीडियो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो जो है हमारे आते रहें। गुड बाय।